नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संगीताज कॉर्नर में। फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है फ्रेंड्स, ऐसे में मिठाइयाँ हम बहुत ज़्यादा लेते हैं मार्केट से, लेकिन आज जो मिठाई की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ 5 मिनट में बनेगी, बहुत ही कम चीज़ों में बनेगी और मार्केट से भी प्योर और हाइजीनिक तरीके से आप इसे घर पर बना पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, जो कि बहुत ही ईजिली किसी भी किराने स्टोर में आपको मिल जाएगा। इसका मैं 2 कप ले रही हूँ, वजन से ये 200 ग्राम है और इसे हम एक कढ़ाई या बर्तन में ले लेंगे जिसमें कि हमें इसे पकाना है। तो चलिए अब इस कढ़ाई को रखते हैं हम गैस के ऊपर और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है, फ्लेवर चेंज नहीं करना है, जस्ट ये जो नारियल का बुरादा है वो बस गर्म हो जाए इतना ही भर हम इसे भून लेंगे। और ये जो मिठाई है फ्रेंड्स सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होती है। आपको विश्वास ना हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप टाइम को भी देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी डालने से ये लड्डू बहुत अच्छे मॉइस्ट बने रहते हैं, सॉफ्ट बने रहते हैं जितने भी पुराने हो जाए। और इस लड्डू की सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसे 15 से 20 दिन 25 दिन तक रख के खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ना ही इसका टेस्ट चेंज होता है। घी डालने के बाद 2 मिनट के लिए और इसे हम भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे और इसमें घर में ही रखी चीज़ें यूज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये घी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम दूध। तो जितना हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था जिस कप से, उसी कप से आधा कप दूध लिया है, ये नॉर्मल मिल्क है। और इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध का जो यूज है बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 कप नारियल के बुरादा में सिर्फ आधा कप दूध डालेंगे। फ्लेम को पूरे टाइम हमको लो पे रखना है, ये पूरा प्रोसेस लो फ्लेम पे ही होगा। और एक बार दूध को मिक्स कर देंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे बहुत ही अच्छे टेस्ट के लिए और बिल्कुल बाज़ार वाला जो मिठाई होता है ना उस टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। तो मावा की जगह हम यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि इस लड्डू का टेक्सचर और टेस्ट दोनों काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो आधा कप ही हमने लिया है मिल्क पाउडर, 2 कप नारियल का बुरादा में आधा कप दूध, आधा कप मिल्क पाउडर और आधा कप ही हम चीनी डालेंगे। बस यही 4 चीज़ों से ये मिठाई बन के तैयार होती है फ्रेंड्स और गजब की ज़बरदस्त बनती है। बाज़ार की सारी मिठाइयाँ इसके सामने फेल है। तो यहाँ पर देखिए मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, उसके बाद आधा कप ही हमने चीनी लिया है। आप पीसी हुई चीनी भी ले सकते हैं बट उतना मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि चीनी को पीसे फिर ऐड करें, इसमें अच्छे से चीनी भी मेल्ट हो जाती है। तो फ्लेम को लो पे रखेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे जब तक कि ये वाला जो मिक्सचर है इस तरह से अच्छा से बाइंड ना होने लगे, सारा मिक्सचर एक जगह इकट्ठा ना होने लगे और इस तरह हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो जाता है। और लो फ्लेम पे चूंकि इसमें मिल्क पाउडर है तो ये चिपकता जल्दी है, इसलिए इसको लगातार चलाते रहेंगे। और सबसे आखिर में डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर बिल्कुल आधा छोटा चम्मच, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको नारियल का जो रियल फ्लेवर है वो पसंद है तो आप इलायची को स्किप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है। और 1-2 मिनट और चला लेंगे और ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल बाइंड वाला हो गया है। ऐसे देखने से ही लग रहा है कि इसके लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। यदि आपको डाउट हो तो आप क्या करें कि हाथों में थोड़ा सा उठा के इस तरह से इसको बांध के देखें, ये एक जगह इकट्ठा होने लग जाए या फिर इसका जो चीनी है जो इसका रस है वो एकदम चिपचिपा सा आपको लगने लगे हाथों में, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद करेंगे और ये लड्डू बनने के लिए, मिठाई बनने के लिए हमारा मिक्सर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे हम उतार लेते हैं फ्रेंड्स और एक थाली में रख लेंगे और थोड़ा इसे नॉर्मल हो जाने देंगे क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसे हाथों से टच नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस नॉर्मल कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा टेक्सचर आया है फ्रेंड्स और बिल्कुल भी इसमें चाशनी बनाने का झंझट नहीं है, मावा का झंझट नहीं है, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स का झंझट नहीं है। घी बिल्कुल ऑप्शनल है, घी चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो उसे भी स्किप कर सकते हैं आप। और ये देखिए ये थोड़ा सा जब नॉर्मल हो जाए तो इसको हम लड्डू बांध लेंगे, बहुत ही ईजिली से ये बन जाते हैं ये देखिए। लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे नहीं तो स्मूथ वाले यानी बहुत चिकने चिकने से लड्डू फिर बनने में दिक्कत आ सकते हैं क्योंकि वो जो चीनी है धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। तो पहले हाथों में अच्छे से दबा लेंगे, फिर हथेलियों के बीच में रख के अच्छे से इसको
प्लेन कर लेंगे चारों तरफ से इस तरह से, और फिर डेसिकेटेड कोकोनट से यानी कि जो नारियल का बुरादा है आधा कप ले लेंगे और उसके ऊपर से एक बार इस तरह से कोट कर देंगे। इससे ये नारियल के जो लड्डू हैं वो देखने में काफ़ी सुंदर लगने लगते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के हो जाते हैं। हमने उसमें जो कि मावा मिलाया है तो उसके कारण थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर हो जाता है, लेकिन जब हम उसको डेसिकेट कोकोनट में लपेट देते हैं ना तो बिल्कुल वाइट वाइट लड्डू बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलता है वैसे बन के तैयार हो जाता है। तो बस इसको अच्छे से दबाते हुए एक जगह बांध लेंगे, उसके बाद हथेलियों में रख के प्लेन कर लेंगे। तो बिल्कुल गोल गोल एक साइज़ के लड्डू बना के तैयार कीजिए ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे और खाने में तो सारे ही सारे टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और ये जो वीडियो है ये टोटल 5 मिनट 6 मिनट का बना है। बनाने में काफ़ी कम समय लगता है, काफ़ी कम चीज़ों से बनता है और सबसे अच्छी बात कि काफ़ी कम मेहनत से बनके ये तैयार होता है। तो आने वाले बहुत सारे त्यौहारों में आप इसे बना सकते हैं, चाहे वो गणपति महोत्सव हो, रक्षाबंधन हो या फिर तीज त्यौहार किसी भी तरह का हो, सब में इस लड्डू को बनाया जा सकता है और अपने त्यौहार को मनाया जा सकता है। तो ये देखिए, एक मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल में घुलने वाली मिठाई बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको आज की ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी वाली मिठाई की रेसिपी कैसी लगी, अपना कीमती फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इसको आप किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं, एज इट इज भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से पेपर कप आता है उसमें रख सकते हैं, ऊपर थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स लगा के आप सर्व कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी मर्जी है, चाहे जैसे भी इसको सर्व करें, लेकिन ये किसी भी हाल में टेस्ट वही देता है। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे रेसिपीज आपको समय पे मिल सके। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संगीताज कॉर्नर बैकअप, तो उसे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह की नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।